हाय एवरीवन, आप लोग के नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ लोगों बात करने वाले हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी की। आप लोग जान सकते हैं कि VRIBU मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी की आप लोग को हम आप लोग को कुछ दिन पहले आप वीडियो बनाए थे कि आप लोग को डिग्री के लिए आप लोग को ऑनलाइन आप लोग को रिक्वेस्ट कैसे डाल सकते हैं। और आज का वीडियो में आप लोग बताएंगे कि आप लोग जान सकते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आप लोग रिक्वेस्ट कैसे डाल सकते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग कैसे मंगा सकते हैं, हम आप लोग को इस वीडियो में आप लोग बताएंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने वाट्स में सरकार नहीं भूलेगा। यानी ये टू जी वीडियो आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को जान सकते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी में आप लोग पास किए होंगे तो आप लोग जान सकते हैं कि डिग्री मंगाने वाला आप लोग वीडियो नहीं देखें तो आप लोग को इंड स्क्रीन वीडियो लग जाएगा और आई बटन में भी लिंक डाला हुआ है, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं कि उसके बाद हम आप लोग बताएंगे कि आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो पर कमेंट किए हैं कि सर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे करना है, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो जान सकते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को कैसे ऑनलाइन करना है, आप लोग हम ये वीडियो आप लोग को लेकर आ गए हैं। ये वीडियो आप लोग लास्ट जरूर देखिएगा। चलिए आप लोग को वीडियो की ओर आप लोग लेकर चलते हैं। आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को कैसे कैसे आप लोग को रिक्वेस्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आप लोग को डालना है। सबसे पहले हम चलिए न्यू टैब पर हम आ जाते हैं। न्यू टैब पर आने के बाद आप लोग को यहाँ पर आप लोग को टाइप करना है UMIS लॉगिन। जी हाँ, UMIS लॉगिन आप जान सकते हैं कि इसका ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर इस पर यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि UMIS आप लोग जान सकते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए इसका आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप लोग को आ जाना है। उसके बाद आप लोग को जान सकते हैं कि UMIS लॉगिन पर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर आप लोग क्लिक कीजिए, आप लोग देख सकते हैं कि आगे कुछ और नोटिफिकेशन की ओर आप लोग को लिख रहे चलेगा। चलिए हम और नोटिफिकेशन आते हैं, तब तक आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है। आप लोग जान सकते हैं कि जैसे हम UMIS लॉगिन पर हुए हैं तो आप लोग को देख सकते हैं कि इसका आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट भी आ गया है, UMIS.BRIBU.online। जी यहाँ पर आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आप लोग देख सकते हैं माइग्रेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, इस पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को देख सकते हैं कि जैसे आप इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को देख सकते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट आप लोगों को कैसे डालना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाने के लिए आप लोग को चले आप लोग को हम आगे बता देते हैं। आप लोग को देख सकते हैं कि फॉर्म खुल गया है आप लोग रिक्वेस्ट डालने के लिए। आप लोग को लिखा हुआ है अप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आप लोग देख सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि दो ऑप्शन रहता है। आप लोग सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन देख सकते हैं कि क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट और चेक स्टेटस। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि चेक स्टेटस पर जैसे भी क्लिक जाते हैं आप लोग को यही आइडिया आ जाएगा। आप लोग को सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट डालना है तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। इस पर आने के बाद आप लोग को सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आप लोग को हिंदी में नाम डालना पड़ेगा, आप लोग को प्रथम नेम, मध्य नेम और उप नेम। उसके बाद आप लोग को जेंडर, आप लोग मेल है फीमेल है वो आप लोग क्या है वो आप लोग को फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, आप लोग जान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग को फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप लोग को जान सकते हैं कि रोल नंबर आप लोग को फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप लोग को ईमेल आईडी फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप लोग को मोबाइल नंबर आप लोग को फिलअप करना है। उसके बाद आपको एकेडमिक ईयर आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोग कौन एकेडमिक ईयर में आते हैं। आप लोग को सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं प्रोग्राम में आने के बाद आप लोग जान सकते हैं कि UG में है, PhD में है या आप लोग को जान सकते हैं कि PG में है। और आप लोग UG में है तो आप लोग UG सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को कोर्स में आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि आप लोग BSc, BCom, BA, LLB आप लोग को जान सकते हैं। अगर आप लोग BA में तो BA आप लोग सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग को ऑनर्स सब्जेक्ट, PG सब्जेक्ट, PhD सब्जेक्ट। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को ऑनर्स पेपर आप लोग को क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है या उर्दू है, मैथमेटिक्स है, पी साइकोलॉजी आप लोग क्या आप लोग को फिलअप कर लेना है। चलिए हम संस्कृत है, संस्कृत पर फिलअप करने के बाद आप लोग को देखते हैं कॉलेज का नाम आप लोग को डालना पड़ेगा। कॉलेज का नाम आप लोग को फिलअप करने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन आप लोग को हेल्ड इन, आप लोग को जान सकते हैं एग्जामिनेशन आप लोग कब दिए तो आप लोग को हेल्ड नंबर आप लोग को जान सकते हैं हेल्ड इन आप लोग को डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट टाइप में आप लोग को जान सकते हैं कि आप लोग को सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आप लोग को माइग्रेशन ऑनलाइन करना है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर आप लोग क्लिक करना पड़ेगा। जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग क्लिक किया तो आप लोग को देख सकते हैं कि फी हमें आप लोग को 200 रुपये आप लोग को फी आप लोग को पेड करना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं अपलोड कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा और अपलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप। जी हाँ, अपलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप आप लोग को दोनों स्लिप आप लोग को
जेपीजी में इस पर आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। जैसे अपलोड कीजिएगा आप लोग को 200 रुपये आप लोग कटा जाएगा। आप लोग को जब अकाउंट से आप लोग को 200 रुपये आप लोग ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद आप लोग को माइग्रेशन सर्टिफिकेट का आपका रिक्वेस्ट आप लोग को डाला जाएगा। उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं, तो ये आप लोग को बता देंगे आप लोग को पैसा कटने के बाद आप लोग को क्या इन्फॉर्मेशन आता है। उसके बाद आप लोग को रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। तो आप लोग स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप लोग को चेक स्टेटस पर आप लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कि फॉर्म आईडी, ईमेल आईडी आप लोग या कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग देखकर स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग को समझ गए कि आप लोग को माइग्रेशन सर्टिफिकेट के ऐसे ऐसे आप लोग को ऑनलाइन करना है। इसका आप लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से आप भी जाकर आप लोग लिंक पर से आप लोग जाकर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एट वीडियो आप लोग समझ में आ गया। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा या टेलीग्राम हमको या टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।